सही हेलो। लग रहा है। हेलो, हाँ, पता हाँ लगा कुछ? जी, हेलो, मैं बात करता हूँ बस आपको। आधे घंटे में हम यहीं बैठे हुए हैं, अभी कर कहाँ बैठे हो रहे हैं आप? सब, यहाँ स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में? हाँ, वो इंस्पेक्टर से बात हो गई है, वो पहुँच रहे हैं अभी हमारे पास 10-15 मिनट आप अभी पुलिस स्टेशन में हो? वो रिजॉर्ट में जाएंगे? क्या? हाँ, रिजॉर्ट में रिजॉर्ट में जाएंगे, जाएंगे। पूरा सारा सब देखेंगे, सारी चीज़ सब देखेंगे, कहाँ है, किसके साथ बात किया, क्या नहीं किया, कॉल डिटेल पूरी निकालेंगे, हिस्ट्री सब निकालेंगे भाई, सब करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हाँ जब आपने मेरे को रात को फोन किया था कि इनको ले जाओ, है ना, कहीं हाँ और जॉब हाँ ढूंढो, तो हाँ उसके बाद से उनका फोन बंद क्यों है? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। ये ऑडियो है मृतक अंकिता भंडारी के दोस्त पुष्प और अंकिता के हत्या के आरोपी पुलकित का। एक 19 साल की मासूम लड़की की हत्या करने के बाद भी पुलकित की आवाज में ना तो कोई डर था, ना ही किसी बात का पछतावा। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ पुष्प से बात कर रहा है। पुलकित आर्या अंकिता की हत्या करने के बाद जब लौटा तो अगले दिन अंकिता के दोस्त पुष्प से हुई बातचीत का ये ऑडियो अब सबके सामने है। एक जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद भी वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मानो उसे कुछ पता ही नहीं अंकिता के साथ क्या हुआ, वो किस हाल में है, कहाँ है, जैसे उसे कुछ नहीं मालूम। पुलकित की आवाज से तो ऐसा लगता है कि उसे ना अंकिता को मारने का पछतावा था, ना किसी और बात की चिंता। उल्टा उसने अंकिता के दोस्त पुष्प पर ही अंकिता को गायब करने का आरोप मढ़ना चाहा। ऑडियो में सुनिए कि ये कहकर कि पुलिस सारी कॉल डिटेल खंगालेगी, सब करना पड़ेगा, सारी चीजें देखी जाएंगी, ये कहकर वो पुलकित को, उल्टा पुलकित को ही डराने की कोशिश कर रहा है। कैसे, सुनिए इस ऑडियो में। कहाँ बैठे कर हो रहे हैं आप? सब, यहाँ स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में? हाँ, वो इंस्पेक्टर से बात हो गई है, वो पहुँच रहे हैं अभी हमारे पास 10-15 मिनट आप अभी पुलिस स्टेशन में हो? वो रिजॉर्ट में जाएंगे? क्या? हाँ, रिजॉर्ट में रिजॉर्ट में जाएंगे, जाएंगे। पूरा सारा सब देखेंगे, सारी चीज़ सब देखेंगे, कहाँ है, किसके साथ बात किया, क्या नहीं किया, कॉल डिटेल पूरी निकालेंगे, हिस्ट्री सब निकालेंगे भाई, सब करना पड़ेगा। पुलकित ने कहा था कि उसका फोन भी अंकिता के पास था, जबकि तहकीकात में मालूम हुआ कि पुलकित ने अपना फोन फेंक दिया था ताकि एक झूठी कहानी गढ़ी जा सके। पुष्प के ये पूछने पर कि चलो सारी बात एक तरफ, आप ये बताओ कि आपने अपना फोन अंकिता को रात भर के लिए कैसे दे दिया, तो इस सवाल पर पुलकित का जवाब सुनिए कि कैसे वो सच्चाई को छिपाता और मनगढ़ंत बातें करता सुना जा सकता है। अपनी दोस्त की गुमशुदगी से परेशान पुष्प ने इस ऑडियो के आखिर में पुलकित को साफ साफ कहा कि जिम्मेदारी आपकी है ढूंढने की। लेकिन हत्या को अंजाम देने के बाद भी पुलकित का अहंकार कम नहीं हुआ। क्या कहा उसने आखिर में, आप खुद सुनिए। भैया, आपको सारी बात समझाएंगे, अभी आप आधा घंटा नहीं, दीजिए, चलो आधे घंटे चलो बाद बात चलो करते हैं चलो, ये आपसे। भी मानता हूँ, चलो जो भी है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, आपने अपना पर्सनल फोन कैसे दे दिया पूरी रात के लिए? भैया, मेरा पर्सनल फोन क्या है, मेरे फोन में क्या है ऐसा कुछ? नहीं, ऐसी बात नहीं है, जैसे मेरा कोई पर्सनल हाँ फोन है, मैं पूरी रात के लिए किसी को थोड़ी हाँ ना दूंगा। हो सकता है कि शायद आपके पर्सनल फोन में कुछ ऐसी चीजें रहती हो कि आप किसी को नहीं दे सकते हो। नहीं, जो मर्जी हो, मगर पर्सनल फोन है हाँ ना, बंदा कहीं पे भी फोन हाँ कर सकता है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब एक के बाद एक नए खुलासे होते जा रहे हैं। 19 साल के सपनों को अपने अंदर समेटे अंकिता दुनिया से जा चुकी है, लेकिन उसके हत्यारों को सजा दिलवाने के लिए ये सब सबूत बहुत बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। इस ऑडियो के सामने आने के बाद पुलकित आर्या की असलियत भी जग जाहिर हो गई है। अंकिता हत्याकांड से जुड़ी हर अपडेट हमारी टीम आपको देती रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।